still be fun. Stop. देखना भी है, देखना भी है, लगा मत देना। तो आगे ले लो ना, ये सब। यार चाकूबाजी कीन है यार। अरे संजीव बाबा, अरे साहब, चाकूबाजी घटना हुई थी जिसमें एक व्यक्ति नितिन कुशवा को प्राणघातक हमला इन लड़कों के द्वारा किया गया था, तो इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और इनसे हम यहां चाकू बरामद करने आए हैं। और इन लोगों के द्वारा इस क्षेत्र में काफी बदमाशियां की जाती हैं, इनकी सूचना हमें मिली थी, तो थोड़ा हम मोहल्ले से भी पूछताछ करने के हिसाब से यहां आए। तो मतलब क्या गुंडा पकड़ो अभियान के तहत स्पेशल कार्रवाई की गई है? गुंडा पकड़ो अभियान के तहत तो ये नहीं है, क्योंकि ये तो घटना हुई है, 307 जैसी घटना हुई है, तो इसमें इनको गिरफ्तार किया। क्या नाम? परिवार के लोगों को? कुछ परिवार के लोग भी सर यहाँ पर आ गए थे, क्या नाम? पता नहीं, मुझे नहीं मालूम, उसके बहुत परिवार के लोग थे। सर आरोपी का क्या नाम है जो पकड़ा है चाकूबाजी की घटना में? चाकूबाजी की घटना में पकड़ाया है, एक है सौरभ और दूसरा है किशोर सिंह ठाकुर का लड़का। तो इनके कोई पुराने भी अपराध है क्या इस तरह के? अपराध नहीं, पुराने अपराध नहीं है, किंतु नशाखोरी करते हुए अपराध करने की घटनाओं को रोकने के लिए नियंत्रण किया गया है। सॉरी सर, 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 स
सोशल इकोनॉमिक कंडीशन सही है, इनका ब्रेड एंड बटर है, कुछ लोग का रोजी रोटी है, अपराध करना चाहिए ना, पैसे की जरूरत है, नशे जिसमें मैं हूँ नशे में पड़ गया, अब मुझे नशा तो चाहिए। चलो बताओ किसी भी देश में बंद नहीं हो सकता, कितने से होते हाँ उधर चलना है अपने। खतरनाक जो गुंडे उनको यहाँ पर ला के पीटा, आप कैसा कैसे देखते हैं इन सब चीजों को? हम देखते हैं कि बहुत अच्छा, कम से कम जो गुंडागर्दी है उसमें कम तो होगा, और जो दो नए गुंडे पनपने की कोशिश कर रहे उनको भी डर लगा रहेगा कि नहीं पुलिस प्रशासन है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो पदिकपुर थाने का है जो टीआई साहब है काफी कॉपरेटिव नेचर के हैं, और जब भी हम उनको बोलते हैं वो हमेशा आते हैं, और यहाँ पर जो मील परिसर में हमेशा गुंडे नशाखोरी भक्तों पर ज्यादा चल रही चाकूबाजी, तो उनमें भी काफी रिएक्शन लेते हैं। आपको लगता है पुलिस का जो स्वभाव अभी आपने देखा है वो सिंघम जैसा स्वभाव है, क्या लगता है? नहीं।